भाइयों को जींद कोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा। मैं पैसे ले लिए, पशु नहीं भेजे, वो तो उनके बारे में तो कोई बोलता ही नहीं है। लोग पैसे खा के बैठ जाते हैं, पशु नहीं भेजते, उसमें तो कोई कुछ नहीं बोलता। झगड़ा किलो का है, 25 किलो दूध का, 2 लाख के एवरेज में 25 किलो दूध की भैंस है, कांटे पे तोल के अगर कोई देगा तो मैं खरीद लूंगा भाई। वो बोलते हैं ये खिला दिया वो खिला दिया, चाहे वो उसको रेस मरवाए, भूखी रखे, कैसे भी निकाले, 25 किलो दूध का 2 टाइम कांटा करवाए, 2 लाख के रेट में। मंजीत यादव ग्राहक है, कभी भी फोन कर सकते हो। हम सिर्फ 2 ही टाइम देखेंगे, 3 टाइम देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, तो एक चुवाई में बता देगी क्या है। जी जी जी, कोई बात नहीं, फिर भी ज्यादा कॉम्पिटिशन का जमाना है। जी टाइम देख के जी, और अपना 2.5 लाख रूपए कभी भी ले। 2 की रेट में हम लेंगे, 2.5 की में रणदीप भाई ले। सभी पशुपालक भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। जो भी पशुपालक भाई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि इन फ्यूचर हम जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो स्पेशल कुछ भाइयों के लिए लेके आ रहे हैं। इसके अंदर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पशु खरीदे जाते हैं, किस तरह से बेचे जाते हैं, और किस तरह से बोलने वालों का मुंह है वो पूर्ण रूप से बंद किया जाता है। तो आज रणदीप भाई के पास हम ये टॉप क्वालिटी की जोटियां दिखाएंगे, उससे पहले एक बार भाई से जानते हैं और आगे एक बार आपको मिलवाता हूं। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार भाई जी। भाई साहब कितने टाइम से कर रहे हो पशुपालन का काम? 17 साल हो गए भाई जी। 17 साल भी करते थे, दादाजी भी। जी, अपनी डेयरी कहाँ पड़ती है? ये हमारी अमरेडी रोड जींद पड़ती है, जींद में। तो सबसे पहले ये बताइए कि इतने साल के अंदर मैन क्या एक्सपीरियंस रहे, कि पैसा कहीं मरा हो या कुछ भी, आप अपनी तरफ से जो स्पेशल एक्सपीरियंस रहा हो। देखो ऐसा है भाई, जो हमारी जींद को, जैसे हमारे इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था, भारत देश को, जी जी, जींद मार्केट को बोला जाता था, इतना ग्राहक जींद मार्केट में होता था हद से ज्यादा। जी जी। लेकिन कलकत्ता का हमारे जींद में बहुत ज्यादा काम था आज से 15 से 20 साल पहले। जी जी। लेकिन जो कलकत्ता की गाड़ियां भरते थे, आज एक आदमी भी नहीं है जो कलकत्ता। जी जी। सिर्फ पेमेंट में जाती है। जी। यहाँ से भैंस ले जाते हैं, वहाँ जाके बोलते हैं अरे तुमने बोला था 14 लीटर देगी, 16 देगी, 17 देगी, दूध नहीं दिया, पैसे खत्म। ठीक है, चाहे उनको कोई भी बहाना लगाना। मेरा एक स्पेशल एक्सपीरियंस रहा भाई साहब, मैंने उधार भी पशु बेच के देखे, नगद भी बेच के देखे। जब उधारी भैंस किसी को दी है ना और पैसे फंस गए, तो न तो ले, जो कुछ भाई स्पेशल भाई है हमारे बड़े प्यारे और दिल के करीबी, न कोई दिलाने वाला आता, न कोई कुछ और बोलने वाला। एक पशु नगद पैसे में दे दिया, 2 किलो दूध घटा दिया। बाहर वाले पशुपालक को तो पेट में दर्द हो ना हो, हमारे भाइयों को हो जाता है यहाँ पे। तो स्पेशल एक्सपीरियंस ये रहा कि जो मेरे हिसाब से जो ये व्यवसाय है, इसमें तकरीबन जो पशुपालक है, तकरीबन 100 में से 80% जमीन बिकी है, और तकरीबन जो एक किस्म से अपना जो परिवार है उसको एक टोटे के कगार पे लेके आगे खड़ा किया है पशुपालन के व्यवसाय ने। 90% जो इस भैंसा बिजनेस कर रहा है वो फेल है व्यापारी, क्योंकि व्यापारी क्यों है, दूध बेचने वाला 2 पैसे कमा लेता है, क्योंकि वो रेगुलरिटी से पैसे पूरे कर लेता है। व्यापारी आज खरीदता है, कल बेचना है, उसको घाटे नफे को तुरंत करना पड़ता है। अब ये झोटी है जी, उम्मीद मेरी इससे नॉर्मली 22-23 किलो की है, 19 लीटर दूध है, तो दे ही देगी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अगर इसका थन खराब हो जाए या कोई दिक्कत आ जाए इसमें, जी जी, ये रह गई, आज मान के चलो ये 2.5 लाख रुपए की है, 3 थन रह गए, तो कितने रुपए की हो गई है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो देख लेते हैं, 2000 ले लो, 4000 रुपए ले लो अगर खरी चीज है, और जब ये खराब चीज होती है इसको क्यों नहीं मांगते वो? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये है, रही बात पेमेंट की, मैं एक ही बात बार बार मैं बोलूंगा कि भाई पेमेंट जो है अपने अकाउंट में लगाओ या ग्राहक यहाँ आगे देखे जाए। बिल्कुल। पे मार ना दो किसी को। बिल्कुल। कोई बंदा ये कहता है खाते में पैसा ना लगाए। ताजा पेमेंट आपके कितने लॉस में गई है अभी? अभी मेरी ताजा पेमेंट ये मान के चलो 4.25 लाख रुपए लॉस में गई है। जी जी। और एक चीज बताओ, उसमें कमाया कितना होगा? और 4.25 लाख रुपए को वो बंदा स्विच ऑफ कर गया, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, और विजयवाड़ा गौतमी डेयरी फार्म। जी जी। मैं बार बार मैं एक ही बात बोलता हूँ, वैसे कोई बात नहीं पेमेंट मच जाए या हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन उनको कह कि दूसरे भाइयों को, हमारे यहाँ पे बत्रा एडवोकेट है, उनका स्पेशल काम ये है कि हाँ भाई जो भी व्यापारी वर्ग के भाई है, ठीक है, तो हमारा सारा का सारा काम रजिस्टर्ड है जी, हमारी फर्म रजिस्टर्ड है, हमारे किस अकाउंट में क्या पेमेंट आई है वो पता है, और जो बिल्टी जाती है गाड़ी जी, जो गाड़ी की बिल्टी जाती है वो पता है ना, उन भाइयों ने गाड़ी वाले को किराया दिया ना, जो लेबर गई थी ना उनको वो दी कि हाँ भाई हम उनको फोन पे दे देंगे जी जी, लेकिन उसके बाद फोन स्विच ऑफ और वो
उन भाइयों को मैं ये भी बताना चाहूंगा जो भाई ये सोचते भाई फोन स्विच ऑफ हो गया और आपका काम बन गया, आपने पैसे मार लिए, पैसे ऐसे नहीं मारे जाते। वहाँ से विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से उन भाइयों को जींद कोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल, जो लेना जो देना जानता है वो लेना उससे पहले जानता है, जो सही है। तो अगर फ्रॉड करने वाले हैं, पैसे ले लिए, पशु नहीं भेजे, वो तो उनके बारे में तो कोई बोलता ही नहीं है। लोग पैसे खा के बैठ जाते हैं, पशु नहीं भेजते, उसमें तो कोई कुछ नहीं बोलता। आज अगर बात करें रणदीप भाई की, तो इनके पैसे के साथ साथ कुछ भाई अगर ज़्यादा ही जो ईमानदारी का तबका लगा रहे हैं, मेरे पास चेक रखे हैं कुछ, वो चेक अगले जिस पशुपालक ने मेरे से पशु लिए हैं वो चेक क्लियर करवा दें। बार जो तूतड़े की तरह उड़ रहे हैं ये न मेरे को पसंद है। और जब तक कंट्रोवर्सी, मैंने एक भाई को बोला कि ये वीडियो हर रोज़ यूट्यूब पे आ रहे हैं, इनका क्या मतलब है, बोला कंट्रोवर्सी वीडियो से व्यू ज़्यादा मिलते हैं। तो एक दो वीडियो और भी बनती हैं जो घर पे बना सकते हैं स्पेशल, जिनमें काफ़ी व्यूज़ मिलेंगे, लोग देखें भी गए और पसंद भी करेंगे। लेकिन भाई रणदीप भाई, इस झोटी के बारे में एक बार डिटेल से आप बताएं, कितने दिन की होगी, बाद में करेंगे बातें। 11-12 दिन की हो गई है भाई। जी जी। और इसमें 19 लीटर दूध तैयारी का है। जी जी। तो देखिए, बिल्कुल छोटे सिंह की 19 लीटर दूध तैयार, 11-12 दिन की ब्याई हुई, साथ में फीमेल काफ है भाई, फीमेल काफ है, काफी शानदार क्वालिटी की। कोई भाई ये बोले कि ये तो भाई एक महीने की है, उस भाई को एक बार ये बच्चे को दिखाओ। ये देखिए साथ में फीमेल काफ और मेल काफ है, मेल काफ साथ में, ये देखिए। और मैं कहूँगा कि रणदीप भाई की तो बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके तो पशु बोलते हैं। ये देखिए, जो भी देखेगा देखता ही रहेगा, HF गाय से भी खुला और बड़ा आर्डर, क्योंकि पशु सिलेक्शन के मामले में इनसे ऊपर पैसे भरने वाला, पशु लेने वाला कोई कोई मिलेगा, जो इतना जिंदा दिल, जो इतने पैसे भर के व्यापारिक वर्ग में, हम भी पशु बेच रहे हैं, तकरीबन हम अपनी रेंज को मैक्सिमम रखते हैं 1 से 1.5 लाख तक, लेकिन इनको अगर पशु पसंद आ गया उसकी कोई कीमत नहीं, चाहे कितनी भी भरनी पड़े, लेनी है तो मतलब लेनी है। ये देखिए जोटी में सारी क्वालिटी हैं, बॉडी स्ट्रक्चर, सींग की, हाइट की, पीठ पुट्ठे की, और अगर एक एक फिट से चार चार उंगल के गैप को लोग घुसेड़ घुसेड़ के दिखाते हैं, यहाँ एक फिट का है भाई, एक फिट से थोड़ा कम भी होगा तो इंची टेप और या कोई फीता अपने घर से ले आना, इतनी जोटी है, इतनी जोटी का आर्डर है, बिल्कुल छोटे सींग की। 1 घंटे बोलते रहो, क्योंकि बोला बोलेगा वही जिसने कभी पशु रखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे पागल भी हो सकते हैं, क्योंकि पशुपालन के व्यवसाय में हो सकते हैं, वैसे तो शायद नहीं होंगे, क्योंकि पशुपालन का व्यवसाय उसी का है जो जमीनी लेवल पे काम करता है, इनके पास रहता है, उसको पता है क्या है। बार बार एक ही बात कि मेरा इनसे कुछ लेना देना नहीं, हमारा है लेना देना, 3 पीढ़ी से तो हम इनसे ले दे रहे हैं, कमा रहे हैं। आगे ये भाई साहब एक और बड़े आर्डर की भैंस, इसकी क्या डिटेल है भाई जी? फोर्थ इलेक्टेशन में ही है। फोर्थ इलेक्टेशन में, क्योंकि थर्ड से ऊपर बच्चा देती नहीं, ये पहली बार एक नया चमत्कार हुआ है, जो चौथी बार इस भैंस ने बच्चे को जन्म दे दिया। कितना दूध है भाई साहब मौके पे, कौन से 5-6 दिन की ब्याई हो गई। हाँ? और इसमें दूध होगा अभी मेरे हिसाब से 14-15 लीटर दूध। 5-6 दिन की ब्याई हुई, साथ में फीमेल काफ, 14-15 लीटर दूध। और अडर की जो नसें आप देख पा रहे हैं, थन बिल्कुल तने हुए, क्योंकि जो ड्राई भैंसे हैं वो और लोगों की जोश दिखाती होंगी, यहाँ पे ताज़ा भैंसे काफ़ी जोशीले आर्डर की, बड़े आर्डर की, क्योंकि काफ़ी भाई बोलते नहीं कि उनका काम ज़्यादा है, काम रुकेगा, देखिए किसी के रोकने से कुछ नहीं रुकता, तो इतने लाखों का माल बांध के बैठे हैं, लॉकडाउन में लॉस भी हुआ तो आज मुनाफे के भी नज़ारे रणदीप भाई लेंगे। काफ़ी बड़े आर्डर की साफ सुथरी ये भैंस, बड़ा चमत्कार यही है कि चौथी बार इसने बच्चे को जन्म दिया है, और काफ़ी उमदा क्वालिटी की, पुट्ठे की चौड़ाई, सींग थोड़ा खुला है, लेकिन जब अडर पे आते हैं तो सींग को तो देखने ही नहीं देती, बिल्कुल चारों थन गैप इंची टेप से नापे, उंगलियां तो क्या पता किसी की छोटी हो और गैप ज़्यादा भी दिख जाए, इंची टेप से नापेंगे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो सबका सेम होता है। रोक लो एक बारी, रोक लो। तो HF गाय की तरह जो नशे आपको दिख रही हैं, क्योंकि दूध वाले पशु में ही मिलेंगी, ड्राई के बाद तो ये नशे भी कम ही दिखती हैं, काफ़ी बड़े आर्डर की, ये बिक्री के लिए है। कितने दूध की उम्मीद कर रहे हो भाई साहब? भाई हो सकता है ये 14-15 किलो पे ही रुक जाए। जी जी। लेकिन पिछली बार इसका मैंने 22 लीटर दूध तोला हुआ है। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है भाई साहब, उम्मीद ही की जाती है ताज़ा पशु से, तो उम्मीद ही एक। और दूसरी एक बात भाई, कुछ भाई बोल देते हैं रेट ज्यादा कम है, कितना रेट ज्यादा कम है जी? रेट की तो बात ये है, कोई भाई बोलता है 25 लीटर दूध देगी जी, भाई चाहे कैसी भी भैंस हो, सिर्फ मुर्रा कैटेगरी में हो, चाहे वो 8वें ब्याप की हो, चाहे वो 3वें ब्याप की हो, उसके जो भी अंग है, सींग पूंछ, वो पूरी होनी चाहिए, और मुर्रा कैटेगरी में आए 2.5 लाख रुपए कोई भी आदमी दे सकता है जी। झगड़ा किलो का है, 25 किलो दूध का, 2 लाख के एवरेज में 25 किलो दूध की भैंस है,
कांटे पे तोल के अगर कोई देगा तो मैं खरीद लूंगा भाई। रणदीप आपका पता नहीं, कांटे पे तोलो 25 किलो दूध 2 लाख में, 2.5 लाख रुपए बोला है भाई। हाँ है कितनी भैंस है, हाँ कितने, वो कुछ भी बोलो नहीं, वो बोलते ये खिला दिया वो खिला दिया, चाहे वो उसको रेस मरवाए, भूखी रखे, कैसे भी निकाले 25 किलो दूध का 2 टाइम कांटा करवाए 2 लाख के रेट में। मंजीत यादव ग्राहक है, कभी भी फोन कर सकते हो। हम सिर्फ 2 ही टाइम देखेंगे, 3 टाइम देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, तो एक चुवाई में बता देगी क्या है। जी जी जी, कोई बात नहीं, फिर भी ज्यादा कॉम्पिटिशन का जमाना है। जी टाइम देख के जी, और अपना 2.5 लाख रूपए कभी भी ले। 2 की रेट में हम लेंगे, 2.5 की में रणदीप भाई, क्योंकि किसान आगे तभी बढ़ेगा जब कंपटीशन पशु खरीदने का होगा। दिखाना बोलना ये वो, बार बार एक ही बात आती है कि वीडियो के पैसे लेते हैं। मैं बोलता हूँ भाई सीना ठोक के, मैं लेता हूँ पैसे वीडियो के, लेकिन कोई किसान ये बताए कि मेरे पास यादव ने रुपए लिए और मेरे जो हालात खस्ता थे, अगला 20 भैंस बेचे और वो कमाए भैंस के साथ अगर 5,000 भी कमाता है तो उसकी इनकम देखिए। हम अपने घर से तेल भूखे होगा, कोई बड़ा मैं कहूँगा ईमानदार तबकेदार आदमी जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा, हमारी इनकम ऑफशोर्स पशुपालन है, वीडियो से चार्ज तेल का हम लेते हैं, चाहे एक बार कवाइए दो बार कवाइए, क्योंकि बार बार रोने से आंखों के आंसू सूख जाएंगे, तो हम पैसे लेते हैं और लेते रहेंगे। अगर कमेंट सेक्शन वाले भाइयों को एतराज़ है तो व्यापारी हमारी किसी रिश्तेदारी में नहीं पड़ते, वो हर रोज़ पैसे कमा रहे हैं, तो हम भी अपना जो तेल का चार्ज है वो लेंगे। क्योंकि काफ़ी बार बड़े जो यूट्यूब वाले हैं, सुरेंद्र सनसनीवाल काफ़ी जाना माना चेहरा है हरियाणा का, उसके जितना वर्क अगर ये करें तो मेरे हिसाब से जितना अपनी ज़िंदगी में पैसे कमाते हैं तो उतने का तो तेल फूंक दिया होगा उस भाई ने। हम ये सिफारिश नहीं कर रहे वो भाई वैसे अच्छे हैं ये वो, हम सिर्फ उनकी एक कॉपी कर रहे हैं, वो सिर्फ मेहनत के कारण। सुबह उनका न उठने का टाइम है न सोने का टाइम है, लेकिन जैसे तैसे भाग दौड़ करके आपके बीच वीडियो लेके आ रहे हैं। अगर 40 यूट्यूबर भी हम उतार दें तो भी हरियाणा को कवर नहीं कर सकते। 2-3 इकट्ठे होके देश का भूत बना रखा है, तो इस भूत को निकाल के फेंकें। आज सारी बातें क्लियर कर दी, आगे अपने चैनल की गारंटी ऐसी वीडियो नहीं आएगी, और अगर कंपेयर करेंगे आगे से डालेंगे तो उसका जवाब सीना ठोक के देंगे। पशु बेचने का काम है, बेच रहे हैं, गलत निकले अच्छा निकले अगले की किस्मत, किसी के घर पहले भैंस की झोटी हमारी 20 किलो भी दे रही है, किसी के घर ना दे तो हमारी क्या गारंटी है। अपने किले से जब पशु खुल गया, कोई भाई ये कहे कि वहाँ से खरीदा और इस पशु में ये घाटा है, वो अगला खुद जुम्मेवार होगा। तो लास्ट में रणदीप भाई इस झोटी के बारे में और बताएं, लंबी वीडियो होगी और पहले ब्याह की है। जी जी, नीचे फीमेल काफ है। जी 10 दिन की ब्याही हुई है। जी जी, और इसमें 16 किलो तो तैयारी गए, क्योंकि पहले ब्याह की झोटी है काफी अच्छी क्वालिटी की, ये देखिए बड़े ऑर्डर की काफी अच्छी क्वालिटी की ऑर्डर, बहुत भारी भरकम, दूसरे ब्याह में भी नहीं मिलेगा, दूध रोका हुआ भी नहीं होगा मेरे हिसाब से, एक आध घंटा लेट भी हो गई होगी इस वीडियो को देख के। उसी टाइम जब वीडियो को देखते हैं जो दूध बता रहा हूँ, अगले दिन ग्राहक आके 2 टाइम तोले। जी और गलत साबित करके दिखाए कि हाँ भाई ये बताए हमने तोला था और कम निकला। जी जी, नहीं गलत हो तो भाई वो अगले की मेहनत है, यहाँ अपने किले पे जुम्मेवार है, आगे कुछ दे यहाँ पे तुलवा के देंगे, यहाँ पे तुलवा के देंगे। कोई 25 किलो वाला जो दावा है कांटे पे अगर तोलता है तो 2 लाख के रेट में मैं लूँगा, चाहे वो उसको पत्थर खिलाए, चाहे वो उसको पान के पत्ते खिलाए, दूध निकलवा दे, बस मेरे को भैंस चाहिए 2 के रेट में, 1.85, 1.70, 1.75 नहीं 2 के रेट में लेंगे 25 किलो, जब भी हो बता देना। और 2.5 लाख के रेट में रणदीप भाई ले रहे हैं, एक ये जो टीन के पास जो ब्यूटी कंपटीशन के लेवल की है, दूसरी बार जो बच्चे को जन्म देने में टाइम बाकी है, ऊंचाई लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, इन्हें निकलवा दे, ये देखिए बिल्कुल छोटे सींग की हथनी के बराबर भारी भरकम शरीर, क्योंकि क्वालिटी है ना किसी किसी पशु में देखने को मिलेगी, ये देखिए सभी पशु। एक छोटा सा दृश्य हम दिखा रहे हैं कंपटीशन के अंदर, जिस तरह से रिंग में पशु घूमते हैं, किसी भी पशु में माइनस पॉइंट निकालें और फिर बात करें रेट के हिसाब से भी और वैसे भी। रेट आज तक रेट हमने वीडियो में नहीं बताए, क्योंकि हमारे कुछ प्रिय मित्रों ने कहा था कि रेट उस भैंस का नहीं बताते जो काफ़ी उम्मीदें होती है, तो मेरी तो हर भैंस का रेट मैं नहीं बताता, हर रोज़ पशु बिक रहे हैं, उम्मीद अच्छी उम्मीद से पशु बेच रहे हैं और बिक भी रहे हैं, और पशुओं के रेट में भी समय के साथ साथ हम करेंगे कोशिश की
रेट भी रिजनेबल लेके आए, क्योंकि जिस भाई को पशुपालन से कुछ लेना देना नहीं वो पशु सस्ते नहीं कर सकता। मेरा दावा है मैं रेट में एक बार कंप्लीट व्यापारिक वर्ग को एक छोटा सा डाउन का झटका दे सकते हैं, क्योंकि पशु लेके आते हैं बगैर मुनाफे के, एक महीने बेच दिए तो कुछ भाई तो मेंटली अपसेट भी हो सकते हैं, जिनके पास ज़्यादा पशु हैं, ज़्यादा काम जिन्होंने कर रखा है। तो ये पशु डेयरी के अंदर एंट्री करते हुए आप देख सकते हैं सामने। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, कुछ भाइयों को गलत लगेगी वो भी थोड़ा इसको पसंद करने का प्रयास करें, क्योंकि बातें थोड़ी सच्ची हैं लेकिन कड़वी लगेंगी। सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे अच्छे अच्छे पशुओं की वीडियो रूटीन से हम अपने चैनल पे लेके आते रहेंगे। सभी भाइयों को लास्ट में मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम।